तो ये क्वेश्चन शीट नंबर 162 रिपीट है, अभी हमने कर लिया था ये, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर, फिर से स्टीम बन रही है, 1 ग्राम पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम का वॉल्यूम गिवन है, क्या निकालना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी यू निकालना है। तो फिर से स्टीम का प्रोसेस है, स्टीम के प्रोसेस में जब डी यू निकलेगा तो कैसे निकलेगा? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या होता है? पी डी वी, और डी क्यू क्या होता है? एम एल। तो चलो वापस चलते हैं, मास ऑफ वाटर पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 होगा, क्यों? क्योंकि मास अगर 1 है, डेंसिटी पानी की 1 होती है सीजीएस में, तो फिर वॉल्यूम भी 1 ही होगा। स्टीम का वॉल्यूम गिवन है, माइनस करके डीवी आ गया, डीवी आ गया, तो ये डीवी निकाल के रखो। डीक्यू क्या होता है? एमएल, मास पानी का 1 है, इनटू लेटेंट हीट गिवन है, कैलोरी को जूल अर्ग्स में कन्वर्ट कर लिया तो डीक्यू आ गया। प्रेशर गिवन है, तो डीयू में डीक्यू निकाल चुके हैं। DW क्या होता है? PDV, P पता है, DV पता है, मल्टीप्लाई करके आंसर। वही सेम स्टीम वाला सेम प्रॉब्लम है, बस थोड़ी कैलकुलेशन में इसमें यूनिट्स में कन्वर्जन है, मेथड इसमें सेम है। ये नया क्वेश्चन है, ये नहीं हमने किया, हमने पानी को स्टीम के साथ तो फर्स्ट लॉ लगा के देख लिया, पानी को फ्रीज करके नहीं देखा क्या लगेगा। तो एक रूल याद रखना, जब पानी स्टीम बनती है तो मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, इंटरनल एनर्जी DU हमेशा पॉजिटिव आती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। लेकिन जब फ्रीज होता है तो मॉलिक्यूल पास आते हैं, सॉलिड बनता है, तो डी यू नेगेटिव आना चाहिए, याद रखना। इंटरनल एनर्जी ऐसे केस में डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पे एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम V1 से V2, तो यहां से डी वी तो निकाल ही लोगे ऑन फ्रीजिंग, तो फ्रीज हो गया। What will be change in internal energy? Same question है, DU निकालना है। अब बात यह है कि जब आप DQ put करते हो, DQ क्या put करोगे? ML, where L is latent heat of fusion, क्योंकि आप water को ice बना रहे हो, तो जब convert कर रहे हो ice में, तो आप पानी में से heat निकालोगे। जब आप पानी में से heat बाहर निकालोगे तो पानी ठंडा होगा, तब वो freeze होगा। तो जब आप system में से heat बाहर निकालते हो तो DQ positive नहीं होता, DQ negative होता है। जबकि स्टीम वाले प्रोसेस में आप हीट पानी को देते हो ताकि वो स्टीम कन्वर्ट हो, तो डी क्यू पॉजिटिव। ये डिफरेंस है, स्टीम वाले केस में डी क्यू पॉजिटिव, फ्रीजिंग के केस में डी क्यू नेगेटिव। क्यू इज इक्वल टू एम एल, बाकी स्टेप सेम है। वर्क डन क्या होता है? पी डी वी हम निकाल लेंगे, और यहाँ से वर्क डन की वैल्यू इसको डिवाइड करो 4.18 कैलरी में कन्वर्ट कर लेना, और यहाँ पर डी क्यू नेगेटिव, डी डब्ल्यू आपने निकाल लिया आंसर। बस यही स्टेप है इसमें, स्टीम बनते हुए डी क्यू पॉजिटिव और वाटर फ्रीज होते हुए डी क्यू नेगेटिव। क्लियर है, बाकी मेथड सेम है। 5 moles ऑफ ऑक्सीजन आर हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। मुझे एक बात बताओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, और ये प्रोसेस किस पे चल रहा है? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। तो जब आप फर्स्ट लॉ लगाओगे, du is dq minus dw, constant volume पे dw तो हो गया 0, तो du dq के इक्वल है, तो अगर मैं dq निकाल तो आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताओ कि आप इसमें ऑक्सीजन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और आपको क्या चाहिए? dq चाहिए। प्रोसेस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे चल रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हीट का फॉर्मूला क्या लगता है? NcvdT। इसमें cv क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि प्रोसेस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे चल रहा है, तो सीपी यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे? सीवी। डेल्टा टी पता है, सीवी इसमें बड़ा सीवी होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ग्राम या केजी नहीं गिवन। तो सीवी की वैल्यू कैसे आएगी? क्वेश्चन में सीपी गिवन है कैलोरीज में, तो सीपी गिवन है कैलोरीज में, तो सीवी भी कैलोरीज में आएगा, आर भी कैलोरीज में होगा 2, तो यहाँ से सीपी आ गया और सीवी आ गया। इस सीवी को यहाँ पुट करके डेल्टा टी और मोल्स पुट करके डीक्यू आ गया, डी क्यू आ गया, डी डब्ल्यू तो वैसे ही 0 है, तो सॉल्व करके क्या आ गया? डी यू आ गया। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में एक तो डी डब्ल्यू 0 होगा, ये उड़ जाएगा, ये गया, और डी क्यू में नंबर एन सी वी डी टी, सी वी डी टी इसलिए क्योंकि प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ठीक, इसमें कुछ लिमिट्स हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस की।